हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भूगोल में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना इस तरह का जीके का क्वेश्चंस मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने ही। उसके बाद है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है किसे? कार्ल रीटर को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इनका नाम है H.H. बेरोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इस किसे माना जाता है? पेसल को। उसके बाद है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था वारेनियस ने। उसके बाद है कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो वो जाता है कॉपर निकस को। ठीक है, इन्होंने सौर मंडल के बारे में सबसे पहले जो है विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की थी। उसके बाद है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तो वो ग्रह कहलाता है। उसके बाद है कि भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था कांट ने। उसके बाद है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? हम उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था या किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है 21 जून को। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। उसके बाद है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कॉपर निकस ने की थी। उसके बाद है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है वो सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह कि अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपसौर। ठीक है, जैसे ये आपका सूर्य है और मान लेते हैं ये जो ग्रह है इस टाइप का चक्कर लगाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एक ग्रह है। ठीक है, इस टाइप से इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये देखिए, ये सबसे नज़दीक का डिस्टेंस है यहाँ से सन से। ठीक है, इस ग्रह का तो जो नज़दीक का डिस्टेंस होता है, ये नज़दीक का दूरी को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। लेकिन यहाँ पे जब ग्रह होगा तो ये सबसे दूर होगा सन से, तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको कहेंगे अपसौर। तो यही क्वेश्चन था, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी कहाँ पे है? ये वाला। तो सूर्य की अधिकतम दूरी ये क्या कहलाएगा? अपसौर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? तो न्यूनतम दूरी कहलाता है उपसौर। उसके बाद है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो वो है 89, 89 तारामंडल हैं। उसके बाद है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। पार्थिव ग्रह क्या होती है? पार्थिव ग्रह वह ग्रह होती है जो कि पृथ्वी जैसी लगती है। ठीक है, तो ये शुरू के जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों ग्रह जो है क्या कहलाता है? पार्थिव ग्रह। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? तो विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो देखिए, पृथ्वी जो है ये ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, जबकि सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। चलिए उसके बाद है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट और 3 सेकंड का समय लेता है। उसके बाद है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वो है वरुण। ठीक है, उसके बाद है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वो है आपका बुध।
उसके बाद है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, तो वो होती है बुध में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो सबसे कम यही लेता है 88 दिन, ठीक है। उसके बाद चले नेक्स्ट देखते हैं सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह जो है वो कौन है, बुध, क्योंकि ये सबसे तेज़ी से चक्कर लगाता है और बहुत ही कम समय में एक चक्कर कंप्लीट करता है 88 दिन में। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, शुक्र को। देखिए ये सारा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो याद रखना है मात्र दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, वो है शुक्र और है बुध, ठीक है। इसके बाद है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो वो शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो याद रखना यूरोपवासी जो है वो शुक्र ग्रह की जो पूजा है वो देवी के रूप में करते थे, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, तो पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है वो जनवरी महीने में होती है। उसके बाद है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो याद रखना है वो किया था स्वेस ने, क्या नाम था उसका, स्वेस। इन्होंने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया, सियाल। उसके बाद है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, तो नीफे, ठीक है। नीफे एक भाग है पृथ्वी के अंदर जिसमें से नी मतलब निकेल मिलता है वहाँ पे और फे से फेरस यानी कि लोहा मिलता है। उसके बाद है भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, तो सीमा। उसके बाद है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, तो क्या है, भूकंप विज्ञान में ये स्रोत जो है मिलता है पृथ्वी के बारे में। उसके बाद है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, तो याद रखना 68%। उसके बाद है स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, तो स्थल मंडल का विस्तार जो है 100 किलोमीटर की गहराई तक है। उसके बाद है पृथ्वी के भू पपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में है, तो एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम याद रखना है भू पपर्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। उसके बाद है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, तो कितने प्रतिशत, 29.2%। उसके बाद है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रॉड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो किससे बना है, क्रॉड, लोहा से। उसके बाद है पृथ्वी के तीन संकेंद्री परत में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है, तो सीमा, ठीक है। उसके बाद है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 याद रखना है, कितना है, 181, इसमें एक और ऐड होगा तो वो 181 होगा, ठीक है। उसके बाद है देशांतरों की संख्या कितनी है, तो 360। उसके बाद है निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो याद रखना कि भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट जो है वो है सिंगापुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो जायरे से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती 180 डिग्री से होकर। उसके बाद है ग्रीनविच किस देश में है, तो ग्रीनविच है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और उसके बाद है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, तो 4 मिनट, ठीक है। जैसे ये एक देशांतर है, ये दूसरा देशांतर है, इधर से इधर आप जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगेगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया,
तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है 1884 में किया गया था। ठीक है, ये था 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको एग्ज़ाम में आप पढ़ के जाएँ ताकि आपका क्वेश्चन जो है भूगोल से लड़ जाए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।